गुजराती, मराठी, हिंदी, कोंकणी, सिंधी, अंग्रेजी, अलग अलग किस्म के ड्रामा होते ही रहते हैं। और दुखी बात यह भी है कि यहाँ पे कल्चरल स्पेस की कमी है, कल्चरल स्पेस ही नहीं है। मैंने जब तक कहा भी था कि जैसे हर स्टेट के अंदर एम्स है, वैसे हर स्टेट के अंदर NSD भी होनी चाहिए। और NSD के साथ साथ एक थिएटर भी प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे सस्ते अनाज की दुकानें होती है, सस्ते राशन की दुकानें होती है, वैसे सस्ते भाड़े वाले थिएटर का भी प्रबंध करना चाहिए। मैं दाद देता हूं, सलाम करता हूं पृथ्वी थिएटर को, शशि कपूर साहब को, कि जहां पे स्क्वायर फीट का रेट 1.5 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया है, वैसी जगह पे वो बंदे ने थिएटर बनाया। और सिर्फ बनाया नहीं, टोकनिज्म नहीं किया, चलाते रहे, परसों चलाते रहे, जनरेशन के जनरेशन एक्टर वहां से निकले और जनरेशन के जनरेशन प्रेक्षक भी वहां से निकले। पृथ्वी थिएटर में ड्रामा देखने के बाद लोगों का टेस्ट चेंज हुआ, उनको देखने में पता चल गया कि क्या किस किस्म से थिएटर को देखा जाना चाहिए। तो जब ऐसे लोगों तक गवर्नमेंट को भी सब्सिडी देनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। मैंने बीच में सुना था कि पानी की और बिजली की सब्सिडी के बारे में बात हो रही थी पृथ्वी थिएटर में, वो भी बड़ी दिक्कत होती थी उनको, तो गवर्नमेंट को इस किस्म के सपोर्ट भी करना चाहिए। और साथ साथ मेरा सुझाव अनवॉरंटेड, अनसॉलिसिटेड स्टूडेंट के लिए भी, जो स्टूडेंट अपने माता पिता को, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, अपने पूरे माहौल को छोड़ के 3-3.5 साल तक दिल्ली आता है ये पढ़ने के लिए, ये सीखने के लिए, तो उसे सिर्फ उसमें ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक्टिविज्म भी जरूरी है, लेकिन जब आपकी स्टडी खत्म हो जाए बाद में, गांधी जी ने भी बैरिस्टर बनने के बाद एक्टिविज्म किया, इसमें नहीं किया, ये सब बहुत जरूरी है। और जहां से आप, मैं समझता हूं कुछ सालाना सरकार एक स्टूडेंट के पीछे 1.5 या 1.25 करोड़ रुपया खर्चा करती है 3 सालाना, ऐसा मैं समझता हूं। तो जब सरकार आपके पीछे इतना खर्चा करती है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपका भी एक पेबैक टाइम होता है। गवर्नमेंट के लिए नहीं, आप जहां से जिस इलाके से आए उसी इलाके में जाइए, वहां पे अपनी भाषा में आप थिएटर कीजिए, आप अपनी भाषा को आगे बढ़ाइए। तब तक आप मुंबई आएंगे, और मुंबई आइए, मुंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है, कोई ये मत समझना, आप आइए, लेकिन तब तक आप बेचारे बन के, बेबस बन के देखते रहेंगे अब हमारा क्या होगा। मैं नसीरुद्दीन शाह साहब को सलाम करता हूं, उनको कोई जरूरत नहीं है थिएटर करने की, वो कंटिन्यूअस थिएटर करते रहते। और मैं ऐसे कई एक्टरों को जानता हूं NSD के जो थिएटर करते ही नहीं, तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। देखिए, थिएटर आपका रियाज है, वही आपको बचाएगा, वही आपको सिखाएगा, वही आपको आगे लेके जाएगा। नसीरुद्दीन शाह बनने हैं सिर्फ NSD में पढ़ने से नहीं, NSD में पढ़ने के बाद उन्होंने अपने आप के ऊपर भी बहुत सारा काम किया है, तब जाके वो नसीरुद्दीन शाह बने या ओमपुरी बने। तो ये हमको भी समझना चाहिए। और दूसरी बात रही, NSD को जितना हो सके उतना हमारी तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिलना चाहिए, उनको अच्छे अच्छे फैकल्टी ला के देनी चाहिए, बड़ा चैलेंजिंग एटमोसफियर बनाना चाहिए, पढ़ाई के मामले में, उनके एक्सपोजर के मामले में बड़ा चैलेंजिंग बनाना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि थोड़े बहुत परिवर्तन हम ये लाना चाहते हैं कि आपके जो वर्किंग आवर्स है वो रात को 7 बजे से लेके, अब हमारे सुबह 7 बजे से लेके रात को 12 बजे तक के ना हो, इसमें कोई क्रिएटिव काम नहीं होता है, बॉडी थक जाती है, दिमाग थक जाता है, आप ऊब जाते हैं, और जल्दी से जो माहौल उनसे उखड़ भी जाते हैं। 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक के लिए एक हेल्दी एटमोसफियर भी रहेगा, खाना भी अच्छा मिलना चाहिए, खाने की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, रहने की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी सरकार की भी है और गवर्नमेंट की भी है। और सरकार बिल्कुल सोचे कि मैं समझता हूँ कि कोई कहेगा कि देखो अभी ये मोदी जी की वाह वाह कर रहे, लेकिन मैं समझता हूँ ये जो गवर्नमेंट है एग्रेसिव है,
जो बोलती है करके दिखाने में मान लीजिए गवर्नमेंट के पास प्रस्ताव रखेंगे, ये गवर्नमेंट करके दिखाएगी, हम उनको करके दिखाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, मजबूर भी करेंगे, वो करेंगे। और एनएसजी को लेकर दूसरे ये भी विचार है कि पूरा एनएसजी के बाद जब हमने देखा 15,000 का डेटा मटेरियल पड़ा हुआ है, पूरा डिजिटाइज है, वर्ल्ड क्लास मटेरियल, वर्ल्ड क्लास प्लेस, वर्ल्ड क्लास एक्टिंग, वर्ल्ड क्लास डायरेक्टर, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन, क्यों है सारे मटेरियल को लेकर थिएटर का एक ओटीटी प्लेटफॉर्म क्यों ना खुला है? और दुनिया के जितने भी थिएटर है वो सबके साथ उसे जोड़ा जाए, वेस्टर्न का हो, ब्रॉडवे का हो, नॉर्वे का हो, स्वीडन का हो, सबके साथ हमारा भी थिएटर जुड़े और ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ सब्सक्राइब करो उसको, उससे जो आमदनी होगी उसका भी फायदा एनएसडी को होगा। और सिर्फ पैसा खर्चा करना और सिर्फ गवर्नमेंट से लेते रहना ये नजरिया नहीं होना चाहिए, हमको आत्मनिर्भर भी होना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि एनएसडी को हर स्टेट के साथ टाइप कीजिए, मुंबई गवर्नमेंट के साथ, मुंबई स्टेट गवर्नमेंट के साथ टाइप कीजिए, हर महीने यहाँ पे रेपर्टरी का एक प्रोडक्शन हो, उसके 2 या 3 शो हर महीने, तो यहाँ के जो टैलेंट स्काउट है वो भी आके देखे, भैया देखो किस किस्म के कलाकार है, कितने चैंपियन कलाकार है, जो लुखे सुखे लेके आते हैं बाकी के, उससे तो कई गुना अच्छे हैं ये, वो भी और टैलेंट स्काउट को पता चलेगा। तो ये जितना हो सके उतना एनएसडी को खुल के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ पॉपुलर होना मीडियोकर की निशानी नहीं है, एक गलत नोशन बैठ गया है, एक लेफ्टिस्ट नोशन है, ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन गलत नोशन है कि जो पॉपुलर हो मीडियोकर, तो भाई चार्ली चैपलिन साहब को आप क्या कहेंगे, अभी पॉपुलर है। और मैं ये समझता हूं कि हर किसी की, हर आर्टिस्ट की एक इच्छा होती है, बड़ी अर्ज होती है कि लोग मुझे देखे। सत्यजीत रे साहब ने भी कहा था, कुरोसावा साहब ने भी कहा था कि आई वॉन्ट टू रीच आउट टू वाइडर सेक्शन ऑफ द ऑडियंस, नथिंग रॉन्ग इन दैट। हम तो क्यों कूप मंडू की तरह एक ही जगह पड़े रहे, हम चाहे हर जगह ड्रामा करें, बट उसके लिए फैसिलिटी भी गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनएसडी को भी धक्का देना पड़ेगा, एनएसडी को भी ये गवर्नमेंट के पीछे हाथ धो के पड़ना पड़ेगा। तो ये विचार है और मैं समझता हूँ जब तक है तब तक पूरी कोशिश रहेगी, तो लेकिन सबका साथ चाहिए। और फॉर्चुनेटली मैं, मोहंती साहब यहाँ पे बैठे हैं, शांतनु जी बैठे हैं यहाँ पे, ये सबका मैं रियली शुक्रगुजार हूँ, प्रोएक्टिव है, और अभी त्रिपाठी साहब आए, बड़े प्रोएक्टिव है, हार्डवर्किंग लोग हैं, वो मेहनत करना चाहते हैं और स्टूडेंट को साथ में लेके चलना चाहते हैं, तो स्टूडेंट से सभी से मेरी जिम्मेदारी, सब साथ में लेके चले और बस जितना हो सके, क्योंकि जितना एनएसडी आगे बढ़ेगा, और एनएसडी को दूसरी भी एक बात करनी चाहिए, ये प्रस्ताव मैंने रखा हुआ था कि हर यूनिवर्सिटी के साथ एनएसडी का टाइप, यूनिवर्सिटी इन टर्न में टाइप विद कॉलेज स्कूल, तब देखिए कितने यंग टैलेंट का आपको मिलता रहेगा, वो फ्लो आता रहेगा, एंड एवरीबॉडी गेट्स कनेक्टेड, तो ये होना चाहिए, ये मैं समझता हूँ, और कोशिश करेंगे, ऑनेस्टी के साथ कोशिश करेंगे, क्योंकि थिएटर जहां से हम आए हैं, हमारी माँ के लिए अगर इतना नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। थैंक यू सो मच। आदरणीय महामहिम श्री रमेश बैस जी से आग्रह करती हूँ कि वो आए और भारत रंग महोत्सव को अपना शुभ आशीष और शुभकामनाएं प्रदान करें। राष्ट्रीय नाट्य महाविद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ के स्तर इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री परेश रावल जी अध्यक्ष, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, श्री पंकज त्रिपाठी भारत रंग महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर, श्री रघुवीर यादव जाने माने रंगकर्मी अभिनेता, श्री चित्तरंजन त्रिपाठी निर्देशक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, रंगमंच से जुड़े सभी कलाकार, निर्माता, रिसर्च स्कॉलर, दर्शक, देवी और सज्जन, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित मैं महाराष्ट्र में स्वागत करता हूँ।
मुझे यह जानकर विशेष रूप से खुशी हुई कि रावल जी, पंकज त्रिपाठी जी, रघुवीर यादव जी जैसे प्रसिद्ध रंगकर्मियों का इस महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ना बहुत प्रशंसनीय है। के निर्देशक के रूप में इब्राहिम अलकाजी बीवी कारण रतन थिया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रजिस्ट्रार श्री प्रदीप कुमार मोहंती जी से आग्रह है कि वो आए और आभार व्यक्त करें। नमस्कार। भारत रंग महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ के उद्घाटन उत्सव में महामहिम महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश मिश्र जी की गरिमा में सभी जगह में पहुंच रहे हैं। सही में इतने व्यस्तता के बावजूद तो आपको बहुत बहुत अंतकों से धन्यवाद। और चित्रंजन त्रिपाठी जी अभी 4 महीना पहले ज्वाइन किए हैं, लेकिन इस उत्सव को जो 15 शहर में करना और 150 की शो करना, 100 से आवेश परफॉर्मेंस ज़्यादा करना, इतना बड़ा उत्सव जो सभी से आग्रह है कि एक बार फिर से राष्ट्र सर एक मिनट जी, सब साथ में ही कर लेते फिर आपको अलग से करना पड़ेगा ना, एक मैं भी घूम लेते हैं। मैं अहमद को बोलूँगा कि आज का कुछ फोटोग्राफ्स उसको अगर चाहिए, मेरा जो हार्डली अभिषेक, अब अहमद का नंबर है आपके पास? मैं भेज दूंगा, इसमें ले लेना कुछ नहीं। अभी भारत रंग महोत्सव का यहाँ मुंबई में आज शुभारंभ हुआ, महामहिम राज्यपाल जी थे, परेश सर चेयरमैन, चित्रंजन जी डायरेक्टर, और हमारे सीनियर रघुवीर सर जो कमाल की किस्सेबाजी किए। तो ये शानदार शुरुआत है, मुझे जिम्मेदारी मिली है इसके प्रचार प्रसार की, जो मैं कर रहा हूँ अपने स्तर से, अपने सोशल मीडिया के हैंडल से। हम चाहते हैं कि मेरी चाहत है कि नए दर्शक भी जुड़े, सिर्फ वही लोग नहीं आए जो नाटक देखते हैं। तो बस आप सबों का सहयोग मिलेगा, ज़्यादा लोगों तक सूचनाएँ जाएंगी, ज़्यादा ऑडियंस आएगी, देखेगी। दुनिया का सबसे बड़ा रंग महोत्सव है थिएटर फेस्टिवल वर्ल्ड का, जहाँ 150 प्ले 15 शहरों में होंगे। सो यही सब है, थैंक यू। मेरी इच्छा है और मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभी भी देखिए तो मुझे दो यहाँ पे किताब किसी दे गई है हमारी सीनियर, तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ और मेरा बहुत मन है थिएटर करने का। सर जिस तरीके से परेश सर ने मैसेज दिया है सबको कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सबको डिसेंट्रलाइज, बिल्कुल हम तो पहले से उसके नहीं कर सकते हैं उन्हें नाटक के तहत, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, हर स्टेट में एक होना चाहिए। कि हमारे ज़माने में 20 सीटें थी, पूरे भारत से हम 20 आते थे मुश्किल से, तो यूपीएससी से ज़्यादा टफ था एनएसडी में जाना। तो डिसेंट्रलाइज होगा तो ज़्यादा बच्चों को अवसर मिलेंगे, हर स्टेट में एक हो। 5 सेंटर खुल गए हैं एक साल वाले, बट और भी खुले, 28 सेंटर खुले, हर स्टेट का अपना एक ड्रामा स्कूल हो, ये तो ज़रूरी है। देखिए आर्ट एंड कल्चर का बजट बढ़ेगा ना, आप मंच खाली कर लें ताकि नाटक के लिए जो डिजिटल रूप में नाटक उपलब्ध है एनएसडी के पास 15 रहने दो। थैंक यू कुछ बात नहीं, थैंक यू सो मच सर। मैं
देख लो, मैं देखा नहीं।